नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति की कि मकर संक्रांति कब है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये भी कोई कहने वाली बात है कि मकर संक्रांति कब है, लेकिन हाँ ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि मकर संक्रांति को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन है। कोई 14 तारीख को बोलता है, कोई 15 तारीख को बोलता है। देश के किसी किसी जगह पर 14 तारीख को मना ली जाती है तो किसी जगह पर 15 तारीख को मनाई जाती है। ऐसा पिछले 2-3 वर्षों से हो रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको मकर संक्रांति किस दिन मनानी चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस दिन संक्रांति है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, आपको मालूम है कि संक्रांति तभी मनाई जाती है जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। एक राशि कौन सी? धनु राशि को छोड़ता है और मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी इस संक्रमण को, इस जो एक राशि से दूसरी जगह जाने का जो संक्रमण है, इसी को हम संक्रांति या मकर संक्रांति, क्योंकि मकर राशि में जाता है सूर्य, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। इस बार ऐसा हो रहा है कि सूर्यदेव जो है वो 14 जनवरी को रात 8:14 पर 8:14 पर मकर राशि में जाएंगे। यानी कि वैसे तो 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाती है कि प्रातः काल से या सुबह से या दिन में जो सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश नहीं कर रहे, बल्कि रात को 8:14 पर वो प्रवेश कर रहे हैं मकर राशि में। इसलिए अब देखो, रात में तो स्नान ध्यान होगा नहीं, रात में तो पूजा पाठ होगी नहीं, इसलिए दूसरे दिन यानी कि 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। वैसे भी हमारे शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि जो होती है, जिस तिथि में सूर्य उदय होता है, उसी को मेन तिथि या पूर्ण तिथि मानी जाती है। तो देखिए, सूर्य जो उदय होगा वो 15 तारीख को मकर में उदय होगा, इसलिए इस कारण से 15 जनवरी को संक्रांति मनाई जाएगी। ध्यान रखिए, 14 तारीख की रात को 8:14 के बाद ही, यानी 14 पर ही मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे, इसलिए सेकंड डे यानी कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। ठीक है, ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो पुण्यकाल है और महापुण्यकाल है वो कब से कब तक रहेगा, यानी स्नान करने का जो समय है वो कब से कब तक रहेगा जिसमें आप स्नान कर सकते हो। तो जो पुण्यकाल है वो रहेगा सुबह 7:15 से शाम को 5:46 तक। सुबह 7:15 से पुण्यकाल स्टार्ट होगा और शाम को 5:46 तक पुण्यकाल रहेगा। इस बीच में आप कभी भी स्नान कर सकते हो। लेकिन अगर आप महापुण्यकाल की बात करें, जो उससे भी श्रेष्ठ होता है, अगर उसकी बात करें तो उसका समय ये रहेगा सुबह 7:15 से सुबह 9 तक, यानी सुबह 7:15 से स्टार्ट होगा और सुबह 9 तक रहेगा। इस बीच का जो समय है वो महापुण्यकाल कहलाएगा, इसमें भी आप स्नान कर सकते हो। यानी मैंने आपको महापुण्यकाल भी बता दिया और पुण्यकाल भी बता दिया, इन दोनों में से जब आपको टाइम मिले तब आप स्नान कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।